मुंगेर जिले के धरहरा थाना क्षेत्र के मेहरना गांव में बुधवार की देर रात्रि बैंक कर्मी के घर से एक दर्जन हथियार बंद अपराधियों ने 2.5 लाख के भीषण डकैती को अंजाम दिया है। डकैती के दौरान नगापोसी अपराधियों ने वृद्ध दंपत्ति के साथ जमकर मारपीट भी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के समय घर में बैंक पीओ प्रफुल्ल कुमार के वृद्ध माता पिता मौजूद थे। वृद्ध दंपत्ति ने बताया कि 1 बजे रात्रि में 6 से 7 हथियार बंद अपराधियों ने घर में प्रवेश किया। अपराधियों ने घुसते ही हथियार के बट से रामचंद्र प्रसाद एवं पाना देवी को मारकर जख्मी कर दिया और रस्सी से हाथ पैर बांध कर घर के कमरे में बंद कर दिया। मारपीट की घटना में रामचंद्र प्रसाद गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसके बाद अपराधियों ने इत्मीनान से घर में रखे गोदरेज, ट्रंक, बक्सा आदि में रखे सोना चांदी के जेवरात, नगद, टीवी, बर्तन, मोबाइल एवं कीमती कपड़ा ले लिया। अपराधियों ने जाते वक्त महिला के शरीर में पहने सोने के चेन, कानबाली एवं कंगन तक खुलवा लिया। अपराधियों ने शोर मचाने पर वृद्ध दंपत्ति को जान से मारने की धमकी दी। सुबह पड़ोसियों को आवाज देने पर ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को बंधन मुक्त किया, साथ ही इलाज के लिए CHC धरहरा ले गए। उसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। धरहरा थाना प्रभारी सुनील कुमार यादव ने बताया कि पीड़ित वृद्ध दंपत्ति के बयान पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।